हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निजाज़ वर्ल्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम कुछ रिव्यू करने वाले हैं या आज हम कुछ अनबॉक्सिंग करके देखने वाले हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए कुछ सामान हमारे घर आया है, तो हम उसे अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि मैंने जो है क्या क्या सामान मंगाया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए एंड तक के, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हों। तो फिर देखते हैं कि पहला आइटम क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ईद आने वाली है, तो उसके लिए जो है मैंने कुछ एक ट्रे सेट मंगाया है। ये राज लक्ष्मी ट्रे स्पून बाउल सर्विंग सेट है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और इसे देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने भेजा है। इसकी पैकिंग भी कितनी अच्छे से की हुई है, और अंदर जो है इसका बॉक्स इतना खूबसूरत है कि मैंने जब देखा ऑनलाइन तो मुझे घर से पसंद आ गया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या है मंगा कर। और ये काफ़ी सस्ता भी आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप ये फ्लिपकार्ट पे चेक कर लीजिए, राज लक्ष्मी ट्रे डाल के देख लीजिएगा कैसा है ये। ये बहुत ही सस्ता है। दो इसमें प्याली दी हुई है, दो चम्मच दी है, और एक छोटी सी ट्रे दी हुई है। जैसे कि आप, अभी मैं आपको खोल के बताती हूँ। देखिए रेड कलर का जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है, सेम वैसे उसी तरह से ये पैक किया हुआ है। देखिए वाइट और गोल्डन कलर में है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डेलिकेट है ये, बहुत ही हल्का सा है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का सा है। पर मुझे पता नहीं है कि ये इसमें मैं सर्विंग कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने मंगा तो लिया लेकिन ये काफ़ी हल्का लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से ये सब शो पीस तो नहीं है, पर इसमें स्पून वगैरह सब दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं इस बार ईद में ट्राई करके देखूंगी। मेरे यहाँ पे ज़्यादा रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ बैंगलोर में, पर फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको हम बुलाते हैं ईद पे, तो देखते हैं उनको सर्व करके इसमें कि कैसा ये यूज़फुल है या नहीं है, पता चल जाएगा। लेकिन ये मटेरियल तो काफ़ी पतला लग रहा है, लेकिन इसके दाम के हिसाब से अगर इसे शो पीस के लिए भी रखा जाए तो मेरे ख्याल से ये वर्थ है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 300 के अंदर ही आया है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा मुझे। तो चम्मच जो है स्पून इसका ठीक है, लेकिन प्याली थोड़ी सी मुझे हल्की है, प्लेट और प्याली थोड़ी हल्की लगी। लेकिन ओवरऑल मुझे ये बहुत पसंद आया। इसका जो पैकिंग है और इसका जो एकदम लाइट वेट है, ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी। तो इस बार ईद में तो मैं ये ज़रूर यूज़ करूँगी। फिर देखते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने मंगाया है दूसरा प्रोडक्ट, ईबा प्योर लिप्स लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक। ईबा का प्रोडक्ट मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना था, और मैं ये काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रही हूँ, कि ये जो है हलाल प्रोडक्ट है। इसमें जो है आपको पिक फैट नहीं है, ये पिक फैट फ्री प्रोडक्ट है। क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो लोग पिक फैट वगैरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ईबा जो कंपनी, ये बेस्ट है मुस्लिम्स लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो एनिमल्स के प्रोडक्ट्स, फैट वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। तो आप लोग ये ईबा कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छे हैं और ये मैट है तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेड कलर लिपस्टिक है और फ्लिपकार्ट पे ये आसानी से अवेलेबल है। लिपस्टिक में हलाल इसलिए यूज़ करना चाहती थी क्योंकि हम खाना खाते हैं और लिपस्टिक पोंछना भूल जाते हैं, खा लेते हैं कभी कभार, तो उससे क्या होता है लिपस्टिक पेट में चली जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि लिपस्टिक हलाल होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी ये जो चीज़ है, मैंने प्रोडक्ट मंगाया है, बाकी मैं दूसरे प्रोडक्ट में हलाल के नहीं सोचती हूँ, क्योंकि वो चेहरे पे अप्लाई होता है, बाद में वो वॉश भी हो जाता है। तो नॉर्मली मैं मेकअप इतना यूज़ नहीं करती हूँ, पर कभी कभार अगर कोई फंक्शन है, ईद है, शादी वगैरह है, तो उसके लिए मैं मंगा के रख लेती हूँ। पर वो प्रोडक्ट मेरे यहाँ सालों साल चलते हैं, क्योंकि मैं बैंगलोर आई थी तो मैंने कुछ भी प्रोडक्ट अपने साथ लेकर नहीं आई थी। तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन कुछ मंगा लेते हैं, और पिछले रमज़ान में मैंने कुछ शॉपिंग भी नहीं की थी, तो इस बार ईद में मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ मंगाते हैं। तो मैंने ये चीज़ जो है ऑर्डर किया। ये स्विस ब्यूटी कंपनी का प्राइमर है, प्राइमर मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर, जो मेकअप से सभी को पता है, जो मेकअप
करते हैं, उनको पता है कि ये प्राइमर स्टार्टिंग में यूज़ होता है, तो मेरे पास ये नहीं था तो मैंने ये ऑर्डर किया। और मैं इसको यूज़ तो मैंने किया नहीं है, फर्स्ट टाइम लिया है, पर ये देखने में तो काफ़ी अच्छा है। और ये फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और इसमें जो रेटिंग मैं देख के मंगाती हूँ हमेशा, तो इसको 4+ रेटिंग मिली है, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है। 10 ग्राम का ये प्रोडक्ट, 10 ग्राम में आता है और ये काफ़ी सस्ता है, 180 के अराउंड कुछ आता है। तो अगर आप मंगाना चाहें तो आप ये मंगा सकते हो। इसका नाम है प्राइमर मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर SB130401 प्राइमर, 10 ग्राम का है और 4+ रेटिंग है इसकी, और ये वाइट कलर में है। दूसरा जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है ये अगेन स्विस ब्यूटी का है, हिलैरी रोड़ा मिनी आई शेडो प्लेट है, 250 ग्राम का, मल्टी कलर है इसमें, ये भी कुछ 200 के आसपास ही है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने, पहली बार मैंने मंगाया है ये, इससे पहले मैं दूसरा कंपनी का यूज़ करती थी, तो मैंने कहा चलो इस बार इस स्विस कंपनी का यूज़ करके देखते हैं कैसा है। पर कलर तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे शेड्स आए हैं, लेकिन इसमें जो है इन्होंने ब्रश वगैरह नहीं दिया है, ये सिर्फ खाली ये जो है प्लेट भेजा है इन्होंने। तो ओवरऑल मुझे ये दोनों चीज़ें अच्छी लगी है, अब यूज़ करके मैं देखूँगी कैसा है, पर अभी क्योंकि ये अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रही हूँ तो बस। और लास्ट में जो चीज़ें हैं ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये मैं बकरी जो है हमारी उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि दाल गोश्त बनाए, तो उसके लिए मैंने जो है राइस मंगाया था, ये अमेज़ोन से मंगाया था। और साथ ही मैंने चना दाल का पैकेट मंगाया है, तो बस वही है। तो ठीक है, आपको एडवांस में ईद मुबारक, अगले हफ्ते ईद है, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे, तो हमने भी ये दावत का सुपर बासमती मार्केट बासमती चावल राइस मंगाया है, 25% एक्स्ट्रा मिला है हमें इसमें, 1 किलो का पैकेट है। और साथ ही साथ मैंने दालचा बनाने वाली, उससे मैंने चना दाल मंगाया है, अनपॉलिश चना दाल टाटा संपन्न का मंगाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से, फिर तब तक के अलविदा, थैंक यू।